आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, श्री धन प्रदाये नमो नमः, विष्णु पत्ने नमो नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः। महालक्ष्मी की आराधना करने से आपके जीवन में धन की प्राप्ति होती है, लाभ होता है। ब्रह्मांड से जिन चीज़ों को मांगो वो चीज़ें आपके पास आती हैं। इसीलिए हमें अपने विचार भी शुद्ध रखने चाहिए और हमें सकारात्मक रहकर मांगना चाहिए। जब हम नकारात्मक ऊर्जाओं को आने देते हैं, घेर लेते हैं, बोलते हैं, लोगों को बोलते हैं, तो वो हमें घेर लेते हैं। इसलिए मुंह से गलत शब्द ना निकालें। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ आज 7 जुलाई 2023 चंद्रमा कुंभ राशि में अहोरात्र शनि के साथ शनि चंद्र विषयोग बनाएंगे। आज पानी ज्यादा पिए, शिव जी की आराधना करें। नक्षत्र राहु का रात्रि 10:15 तक, उसके बाद गुरु का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपदा। थोड़ी ही देर में हम जानेंगे मेष से लेके मीन राशि पर प्रभाव, शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश का द्वितीय चरण में। मेष राशि, शुक्र सिंह राशि में प्रवेश कर गए, इस बात से आहत हैं इनके घर वाले और इनका संचित धन नहीं हो रहा। बेचैनी है इनको इनके बर्ताव से या बोलने चलने से, इसलिए अपना बर्ताव और बोलना चलना ठीक करें। वृषभ राशि, आपके लिए आपके पर्सनालिटी में कमी ना आए, आपके दिखने में, आपके आकर्षण में कमी ना आए और आपका काम सुचारू रूप से चलते रहे, इसलिए आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करते रहें या दुन दुर्गाय नमा का जाप करते रहें। मिथुन राशि, आपके लिए कई सारे काम जो विदेशों में अटके हुए थे उनसे आपको बेचैनी है, प्रेम संबंध खराब हो रहे हैं और आपके खर्चे कंट्रोल में नहीं, इसलिए आप ओम मां लक्ष्मी नमा के जाप करें। कर्क राशि, आपके लिए कई सारे काम केसेस विवाद में उलझे हुए थे, आपको अब एमिकेबली धीमे धीमे बैठ के उसको खत्म करना चाहिए, प्यार से, और ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। जिंदगी के हर पल बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। सिंह राशि, आपके लिए कई सारे काम जो पिता के साथ मिलके करने थे उनसे आपको फायदा नहीं हो रहा, इसलिए पिता के साथ अनबन न करें, उनको मदद करें, उनको सपोर्ट करें और कामों को आगे बढ़ाएं। कन्या राशि, कई सारे काम जिसमें शामिल हैं बड़े भाई बहन या पिता, तो वो काम आपको बेचैनी दे रहे हैं क्योंकि आपके काम बन नहीं रहे, आपके खर्चे ज्यादा हो रहे, लेकिन इस बात पर ध्यान रखें कि गलती आपकी भी हो सकती है, आप कीजिए ओम एंग्लिंग चामुंडा विच्छे के जाप। तुला राशि, शुक्र का सिंह राशि में प्रवेश आपकी तबीयत ना खराब करे, इसलिए आपको अपने जननेन्द्रिय महावारी स्त्रियों में या यूट्रस या ओवरी से रिलेटेड कोई समस्या है तो चेकअप कराना चाहिए और ज्यादातर ओम महालक्ष्मी नमा के जाप, दुन दुर्गाय नमा के जाप करने चाहिए। वृश्चिक राशि, अगर आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश है काम के कारण कि आप अधिक काम करते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते, तो उन पर भी ध्यान दीजिए और छोटी छोटी बातों को बढ़ाइए नहीं, व्यवसाय पे ध्यान दीजिए, उनके साथ मिलकर व्यवसाय कर सकते हैं और व्यवसायिक पार्टनर के साथ भी। धनु राशि, आपके लिए अब विरोधी अगर शांत नहीं होते तो आप रास्ता बदल दीजिए, स्पेस दीजिए उनको और साथ साथ उन पर ध्यान देना, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दीजिए, साथ साथ आप अपना लोन ना लीजिए ना दीजिए। मकर राशि, अपने बच्चों के साथ उलझन ना कीजिए, स्पेस बना के चलें, कम बात करें, उनकी तबीयत का ध्यान रखें, उनकी पढ़ाई का ध्यान रखें और अपनी भी विद्या अध्ययन पढ़ाई का मार्ग प्रशस्त करें। कुंभ राशि, माता पक्ष के साथ अगर अनबन है तो उनकी तबीयत का भी ध्यान रखना है और अनबन नहीं करनी है, घर की सुख सुविधा का ध्यान रखना है और हर प्रकार से शांति पाने के लिए आपको दुन दुर्गाय नमा के पाठ करने हैं। मीन राशि, आपकी यात्राएं शुभ रहें इसलिए दवाइयां खाना पीना साथ लेकर चलें और किसी प्रकार की कोई बेचैनी है आपको तो आप एक काम करें, ओम महालक्ष्मी नमा के पाठ करें जिससे आपको सुख महसूस होगा और निरंतर करते रहें, मन ही मन बोलते ही रहें,
तो आपको बहुत सुख शांति मिलेगी। शुक्र का सिंह राशि में प्रवेश कन्या राशि को फिर भी सुहाता है, क्योंकि इनके द्वादश स्थान में आए हैं शुक्र और द्वादश भाव में शुक्र उच्च के हो जाते हैं, इसलिए बुरा फल नहीं देंगे। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। आइए हम जानते हैं कि नीलम मकर राशि वालों को कैसे पहनना चाहिए। अब नीलम पहले लाएं आप घर में, उसको अपने बॉडी से टेप से चिपका के रखें या कपड़े से बांध के रखें, नीले काले कपड़े में उसको पॉकेट में रखें। अगर आपको ढाई दिन सूट करता है तो फिर उसे फ्राइडे गंगा जल में भिगोएं, उसकी अंगूठी बना लें, सोने में चांदी में बिल्कुल ना बनाएं, और सोने में अंगूठी बना के शनिवार के दिन सुबह 7 बजे हरे कृष्णा के जाप करके या शिव जी के जाप करके उसको अपनी मिडल फिंगर में धारण करना है, लेफ्ट या राइट ही अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछें। और सभी के लिए नीलम धारण करना उचित नहीं होता, इसलिए बहुत ध्यान से नीलम धारण करें। आइए हम जानते हैं किसी एक की समस्या का समाधान कैसे हो। रामेंद्र विश्वकर्मा जी गोरखपुर से लिखते हैं, मेरा CCTV का बिजनेस है, अच्छा नहीं चलता। नंबर दिया है इन्होंने 27। रामेश्वर शर्मा जी, आपका ये बिजनेस जो है ये खूब चल सकता है अगर आप गणेश जी के मंदिर में मंगलवार को नारियल चढ़ाया करें निरंतर और उसको छोड़े ना, तो आगे चल के आपका ये बिजनेस खूब चलेगा। हो गया जी इनकी समस्या का समाधान। फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहज।